गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो गई है हमारी और सुबह 5 बजे से उठ के मैंने सारा काम भी कर लिया है। सूर्य देवता के दर्शन कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। देखती हूँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। लोग दर्शन कर लीजिए सूर्य देवता के। ये आप लोगों को सिर्फ दर्शन देने आए थे, उसके बाद में लेके छुप गए बादलों में। इतना खूबसूरत लग रहा है ये व्यू, बाप रे। अभी सुबह हुई है, कब से मैं 5 बजे से उठी, अभी ये लोग उठे, मेरा जीना हराम करके रखे हैं। ये लड़की मुझे गाना नहीं गाने दे रही है और ये लड़का मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। चले चले चल 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 चल, टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं। वीडियो बंद करूँ? बाय बाय। तो गणपति पप्पा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी लोग। आयुष्मान को छोड़ गया था, मैं भी दर्शन कर लेती हूँ माता रानी का। मैं जा रही हूँ फिर भी चिल्ला रहा है क्योंकि कैमरा ऑन करती हूँ ना, पता नहीं क्या इसको तकलीफ होती है। सभी को बहुत तकलीफ होती है, मैं कैमरा ऑन करूँगी ना सब चिल्लाना चालू कर देते, पर मुझे अच्छा लगता है, मैं बनाती रहती हूँ वीडियो। तो आयुष्मान को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ, माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ, पहले आशीर्वाद ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों। आज तो सचमुच देर हो गई थी, गेट खुल चुका था, 7:46 का पहुँचा हमने वहाँ पे। चिल्ला रहा था मुझे रास्ते में, मैं उसको झाड़ी का डंठा रहता और तोड़ के गांठ मारना सिखा रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिखाना आज ही चिल्लाने लगा क्योंकि सप्लीमेंट लिया था तो उसकी वजह से उसको 10 मार्क्स कट गए मेरे बच्चे के। तो क्या बच्चे मैं भी थी नहीं ना, कोई था ही नहीं। तो अभी जो अभी चाय पी रही थी, आ गई मैं फटाफट उसको छोड़ के, वॉशमैन ने पानी भी छोड़ दिया है। एक भी चाय नाश्ता कर लेती थोड़ा। पानी आ चुका है और मैं कब से चली गई हूँ, बैठी हुई हॉल में देख नहीं रही हूँ। वॉचमैन को चिल्ला रही थी सुबह में नीचे कि अभी मत चालू करो, मैं घर पर पहुंच जाऊंगी तब चालू करना, और घर पे आने के बाद मैं आराम से बैठ गई थी। पानी बहुत स्लो भी हो गया है, मात्र जल्दी से भर जाए सब ये भगवान। तो अभी पानी भर लिया मैंने सब, और मैंने एक्स्ट्रा भी भर के रख दिया, जैसे लवली भरती है आज मैंने वैसे भर के रख दिया है। और यहाँ पर दाल चावल का कुकर भी लगा दिया है ताकि खाना भी फटाफट बन जाए, पानी जब तक आ रहा है तब तक। बाय। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी आज मंडे है और मंडे को सुबह सुबह सब लोग चले गए हैं स्कूल कॉलेज एग्जाम देने के लिए। मुझे जाना पड़ेगा अभी आयुष्मान को लाने के लिए। मैंने आप लोगों को दिखाया घर का सारा काम हो चुका है, पानी भी भर लिया मैंने, सब हो गया। आज तो सुबह उठने का फ़ायदा हो गया मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और पूरा काम कर लिया घर का। और अभी रेडी हो चुकी हूँ आयुष्मान को लाने के लिए। मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया आज, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा ना, थोड़ा सा लूज़ हो गया क्योंकि बहुत पतली हो गई ना मैं इसके लिए। और आयुष्मान के टीचर से भी मिलना है क्योंकि सप्लीमेंट लिया था, जिसकी वजह से टीचर ने उसका 10 मार्क्स सप्लीमेंट लिया था, उसके लिए नहीं कट किया है। सप्लीमेंट को बांधने के लिए अपने फ्रेंड को दे दिया था, इसके लिए कट कर दिया। उनको लगा कि शायद ये कॉपी कर रहा है, इसके लिए कट कर दिया है। उसका भी फ्रेंड का भी कर दिया और आयुष्मान का भी कर दिया। तो गुरुवार को किया था ये, पर तभी टीचर मिली नहीं थी मुझे। शुक्रवार से तो स्कूल बंद ही था, तो अभी आज जाके मुझे टीचर से बात करना पड़ेगा। पता नहीं क्या बोलेगी, नाटक तो करेगी बहुत, पर बात करना पड़ेगा क्योंकि आयुष्मान चिल्ला रहा है कि 10 मार्क्स अगर मुझे नहीं मिले, मैं इतना मेहनत से पढ़ा हूँ, उसका मतलब क्या है? फ़ैन बंद कर दिया, कितनी गर्मी लग रही है, पसीने हो रहे हैं। सुनती हूँ फटाफट, पहले उसको लेके आती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ, रिकॉर्ड्स को ले लूँ और छोड़ के जा रही हूँ। चलिए चलते हैं, सारा काम हो गया, सुबह सुबह उठने का एक फ़ायदा ये हो जाता है। अच्छा बना है अंदर से। ये चलते हैं, गणपति पापा और माता रानी फटाफट दिया बुझा दे रहे बार बार। अभी सुबह जला के गई थी, फिर से जला दिया है मैंने, कोई बात नहीं। तो आ चुके हैं हम लोग आयुष्मान को लेकर, मैं आ चुकी हूँ और अभी दिया जल रहा है। सुबह में जलाई तो बुझ गया था, 2 बार जलाई तो अब जाके चल रहा है, पता नहीं मैं ही जलाई हूँ, अभी वो आई नहीं है जलाने वाली। चलो चले, हवा आ रही है, लाओ दो, बहुत हैवी है क्या, उल्टा पुल्टा क्यों पकड़ा रे। चलो अभी इधर बैठना है, निन्नी आ रही है, सोना है, चलो घर पे चल के सो। चलो नानी सोना सोना पड़ेगा। हाँ आयुष्मान, अभी आयुष्मान आवाज़ म्यूट कर, हाँ उधर 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 कर दो। आईपीएल का मैच भी हर लैंग्वेज में होता है ना, रवि किशन है। अब आईपीएल भोजपुरी में भी आएगा, आप लोग से देखिए। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बोल रहे, रो तो नहीं दिए रहेंगे दिखा, रो दे लो। बहुत रोए लगना हो।
रवि किशन कमेंट्री कर रहा है भाई, हर लैंग्वेज है, बंगाली वगैरह सब में। अच्छा हो गया, मेरे को भोजपुरी भी देखना है। मस्त फनी लगता है ना, हमारा लैंग्वेज बहुत फनी है। मैं आयुष्मान को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ और आयुष्मान अभी पोकेमॉन देखने में बिजी हो चुका है, वो कुछ बात नहीं करेगा। आयुष्मान का जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया है, टीचर से मैंने बात कर लिया, ठीक है, इसका रोल नंबर वगैरह ले लिया है। उन्होंने बोला ठीक है मैं बाद में इससे बात कर लूँगी, जिसने इसने मार्क्स कम किए हैं उनसे मैं बात कर लूँगी। आयुष्मान कुछ खुश ही नहीं है इस बारे में कि उसको 10 मार्क्स उसके वापस मिलने वाले हैं, आयुष्मान खुश ही नहीं है। नो रिएक्शन, पोकेमॉन के पास से हटेगा नहीं। आयुष्मान कैसा लग रहा है, खुशी हुई कि नहीं, क्या अच्छा लग रहा है? कुछ नहीं। सुना ही नहीं उसने मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि पोकेमॉन में बिजी हो चुका है मेरा बच्चा। अभी 5 बजे से उठ के मैं तो काम में लगी हुई थी, इस लड़के का तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो अभी एग्जाम लेके आ गया, इसका टेंशन खत्म, पर मेरा टेंशन अभी चालू हो गया और काम करना है। आयुष्मान चलो सोते, टीवी बंद कर दो, बहुत नींद आ रही है, प्लीज बच्चा मेरा हीरो आ जा, दरवाजे के पीछे हमारे आधे कपड़े यही रहते हैं, आधे कपड़े दरवाजे के पीछे, आधे कपड़े वो दरवाजे के पीछे, कबट तो फुल भरा हुआ है। कबट खोलते ही सारे कपड़े हमारे ऊपर आ जाते हैं। अभी मैं मेरी एक फ्रेंड के पास गई थी, उनके घर पे भी वही है, मैंने बताया था, मिलाया है मैंने आप लोगों को कई बार उनसे, पर आज उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। 80 ईयर्स की हो चुकी हैं आंटी और बहुत हालत ख़राब हो गई है उनकी, क्योंकि एक एज के बाद में होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वैसे कुछ हो गया है तो इसलिए फिर मेरा कुछ मन नहीं किया ब्लॉग शूट करने की। तबीयत अच्छी हो जाएगी तो कुछ शूट करेंगे, वो बहुत दिनों बाद मिली मैं उससे और एड्रेस भूल गई थी। उसी सोसाइटी में 2 बार जाके बाहर आ गई और 16 नंबर रूम नंबर पूछ रहा है तो मैं 13 नंबर पूछ रही थी। आयुष्मान से लाने लगा, मुझे जाना है, लेकिन हम लोगों को आज मिलना लिखा था तो इसलिए मिल गए। हम लोग कॉल किया था तो सोई हुई थी, बाद में उसके बेटे ने कॉल उठाया तो बताया कि आंटी हम लोग 16 नंबर में है, तो वहाँ पर गई मैं। तो अभी बहुत थकी हुई हूँ, सोना चाह रही, पर ये लड़का है ना पोकेमॉन को छोड़ के हिलना नहीं चाह रहा। आयुष्मान अब इसको मुझे डांट के सुलाना पड़ेगा। रोड पे भीख मांग के लाई खड़ी थी तब से। मस्त लग रहा है ना, स्मेल लो, पिंक एंड वाइट, इसमें खुशबू है, इसमें सच में खुशबू है। चल तुझे क्यों दूं, पार्ट का तो पता नहीं क्या लाया है, इसको भी डालने के लिए बहुत अच्छा है ये, सच में खुशबू आ रही है। उस दिन वो लाया था, थैंक यू लवली, थैंक यू। और ये वाइट कलर भी मुझे बहुत पसंद आया, ये देख तुम्हारा फूल भी तुम्हारी तरह है भैया। ओ सलीम, थैंक यू फॉर दिस कैंडी। खाली क्या, मस्त लग रहा है, मुझे मम्मी खा के ही यम यम यम, मस्त लग रहा है। नहीं तो लड़कियों से थोड़ी ना लूंगी रे रोज। बोलना किसे दिया? मेरे एक बॉयफ्रेंड है उसने दिया। पहले बना के और फिर बोलना। अनवर पहले बना के और फिर बोलना मेरे को। अरे मम्मा सब्जी और राइस बना दिया है, दाल रखा हुआ था सुबह का तो सब लोग खा लेंगे उससे। मैंने थोड़ा सा पापड़ भी फ्राई कर दिया इधर पे, लिज्जत पापड़, क्योंकि मेरे बच्चों को पापड़ बहुत पसंद है, ये थोड़ा सा तोड़ के मैंने खा भी लिया है। काम कर रही थी, काम करते करते उठ के आना पड़ा क्योंकि डॉली लवली आयुष्मान सब पढ़ाई में बिजी है। मुझे बोल रही है डॉली, मैंने बोला कि पापड़ फ्राई कर दिया खा ले, तो बोल रही है जाके लवली को बोलो, डॉली ने बोला है भग, इन लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि एक दूसरे को कुछ बोल सके, परेशान कर रहे हो मुझे बुला बुला के। तो यही देखने के लिए आई थी मैं। अरे रुकना, तो चलती हूँ, काम थोड़ा बचा हुआ है इसको फिनिश कर लेती हूँ। रेडी कर रही हूँ अभी मैं, इसका टॉप कटिंग नहीं किया, सिर्फ पैंट कटिंग किया है अभी तक। पैंट रेडी हो चुका है,
देखो पढ़ाई हो चुकी है, अभी फोन में घुस गया है। कल इंग्लिश का पेपर है लेकिन फोन में लिखेगा नरेटो पचीशो, पता नहीं क्या क्या नाम है वो लोग का, वो लिखने वाला है। चल सो जा, 12 बज के गए, चल सो जा। लगता नहीं तो फोन में देख लेना। अगर मैं अपने बच्चों से, क्योंकि बहुत परेशान कर रहे लोग मुझे, काम हम कुछ करने नहीं दे रहे, बस रोज लड़ रहे। लवली और डाली तो खूब लड़ाई कर रहे हैं, आयुष्मान फोन छोड़ के हिलता नहीं है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं पता नहीं। तो अभी जा रही सोने के लिए क्योंकि सुबह फिर से जल्दी उठना है। मेरा सर यहाँ से इतना फट रहा है, आधा ही सर फट रहा है, सुबह से फट रहा है। कैसे कोशिश कर करके थोड़ा सोचती हूँ थोड़ा सा लेट जाऊँ और नींद आ जाए, पर नींद नहीं आता। अजीब से कुछ ख्याल आते रहता है दिमाग में, क्या हो रहा है, ये लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं, और ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे चैन से। IPL हमने बिल्कुल भी आज नहीं देखा है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, हम लोग बिजी थे। मैंने भी थोड़ा सा कपड़े कट करके रखा था, उसको बनाया है मैंने, पूरा नहीं हुआ है। पैंट तैयार हो चुका है, टॉप बाकी है, दो ब्लाउज भी कट करके रखा है, वो भी नहीं हुआ, कल करूँगी बेचारे सोने के लिए। तो आप लोग भी सो जाइए, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के लाती रहूँ और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।